हेलो एवरीवन, दिस सर गुलशन ठाकुर। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फ्रेजेस की सीरीज। फ्रेजेस होते क्या हैं? फ्रेजेस हमारी इंग्लिश को इफेक्टिव बनाते हैं और अट्रैक्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश बोलते टाइम कभी भी फ्रेजेस यूज करने का मौका मिले तो जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी। ओके, सो चलिए बात करते हैं फर्स्ट फ्रेज की। फर्स्ट फ्रेज है क्रोकोडाइल टीयर। क्रोकोडाइल टीयर के बारे में शायद आपने सुना है, शायद आपने नहीं सुना है, हो सकता है, ठीक है। क्रोकोडाइल टीयर का मतलब है बनावटी आंसू, मतलब दिखावे वाले इंसान। अगर आपको कहीं भी क्रोकोडाइल यूज करना है, क्रोकोडाइल टीयर यूज करना है, तो मतलब उस इंसान के लिए आप कर सकते हो जो दिखावा करता है। ओके, चलिए बात करते हैं सेकंड फ्रेज की। हमारा सेकंड फ्रेज है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मतलब ऐसा नहीं कि जो आप सोच रहे हो वो नहीं है। चिकन हार्टेड का मतलब है डरपो, ठीक है। जो इंसान बहुत डरता है, किसी भी चीज से डरता है, उसके लिए हम यूज करेंगे चिकन हार्टेड। चलिए बात करते हैं थर्ड फ्रेज की। थर्ड फ्रेज है हैंड पैक। हैंड पैक, हैंड पैक का मतलब है जोरू का गुलाब, ठीक है। जो इंसान अपनी वाइफ से डरता है, जरूरी नहीं डरता है, जो इंसान हर डिसीजन लेने से पहले अपनी वाइफ से परमिशन लेता है या पूछता है, उसको बोलेंगे हैंड पैक। ओके एवरीवन, आज हमने बस यही तीन फ्रेज किए, ठीक है। आगे हम डेली नए नए वीडियोस लेकर आया करूंगा मैं आपके लिए, जिसमें वोकैबुलरी होगी, इंग्लिश रिलेटेड और भी वीडियोस होंगी, और फ्रेजेस की सीरीज तो कंटिन्यू चलती ही रहेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या फिर आप फ्रेजेस सीखना चाहते हो, आप अपने इंग्लिश को और इम्प्रूव करना चाहते हो, तो यू कैन प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल एंड यू विल गेट मोर वीडियोस विद इन फ्यू टाइम्स। ओके, हैव अ ग्रेट टाइम।